भाई साहब दिख ही नहीं रहा कौन इतना पानी बहा रहा है भाई। लेट मी ब्रेक इट दैट एंड सटल सी दिस गॉर्जियस व्यू। ये देखो फुल स्लश नाश्ता। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैचुका। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और जैसा कि आप देख सकते हो पूरा फॉग है इस टाइम पे। और हम इतनी अर्ली क्यों निकल रहे हैं क्योंकि रोड कटिंग का काम चल रहा है तातो में जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है एंड दैट रोड इज़ क्वाइट वर्स। फुल गड्ढा गुड्ढू कचरा वकचरा सब स्लश व्लश सब कुछ वहाँ पे है। तो हमें जल्दी जल्दी कवर करना है क्योंकि 9 बजे रोड ब्लॉक हो जाता है एंड देन वो ओपन होगा 12 बजे। सो वी हैव टू क्रॉस दैट बिफोर 9। सच बताओ तो छोड़ने का मन नहीं है। काफ़ी अच्छी जगह है एंड वी वर रियली इन्जॉइंग बट एनी वे टाइम इज़ नॉट परमिटिंग, टाइम इज़ द ओनर। सो बढ़ते हैं आगे। सो इफ़ यू सी मेरी गद्दी जो है पे ओले पड़े हैं रात में सो जम सा गया है निकल नहीं रहा है। सो इट्स टाइम टू लीव मैचुका। तो ये मैचुका मेन टाउन है एंड इट इज़ कॉल्ड गांधी मार्केट और यहीं पे आपको पेट्रोल पंप वगैरह भी मिल जाएगा एंड देन दिस साइड द राइट साइड इट हैज़ ओल्ड मार्केट। सो दो दिन जब हम रुके थे तो भी क्या हुआ था कि ऐसे ही फॉग रह रहा था सुबह और 9:30 तक पूरा जो है क्लियर हो जा रहा था। तो आज भी शायद ऐसा ही कुछ होगा बट विंटर में चुका इज़ गुड। आई विल ट्राई टू कम अगेन इन सम अदर सीज़न और बहुत सारे प्लेस एक्सप्लोर करने को यहाँ पे। बट इफ़ यू आस्क मी व्हाट आई लाइक द मोस्ट हिडन पार्ट आई विल से जहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं जहाँ जिसकी वीडियो ज़्यादा यूट्यूब पर नहीं आती है दैट इज़ अल्फ़ा टॉप। अल्फ़ा टॉप जो है टॉप पॉइंट है वेयर अ व्हीकल कैन रीच बाई रोड इन मैचुका। सो वहाँ से यू कैन सी 360 डिग्री माउंटेन्स एंड हियर इज द मैचुका गेट। सो ये जो मैचुका गेट है उसके सामने जो सीधी रोड गई है दैट गोज टू दार्जिलिंग एंड ऑन द राइट साइड वी विल हेड बैक टूवर्ड्स आलो। नाउ द रोड विल गेट वर्स फॉर नेक्स्ट 50 किलोमीटर। सो सी हियर आई कैन नॉट क्लीन माई मिरर बिकॉज इट गॉट फ्रोजन। ओके नाउ इट्स क्लीनिंग अ बिट बट इस पर भी बर्फ की लेयरिंग है थोड़ी थोड़ी। सेम विद दिस। ओके ये तो क्लियर नहीं हो रहा है। लेट मी ब्रेक इट। ओके यू कैन सी। सो ऐसा कुछ रोड है फुल ऑफ स्लश लेकिन एक बात मुझे लग रही है कि उस दिन हम लोग नाइट में आए थे तो इट वॉज मोर डिफिकल्ट मैन फॉर श्योर। अभी थोड़ा रोशनी है तो फिर उतना प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। हाँ बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं बताता हूँ आपको। सुबह रात की प्रॉब्लम क्या आती पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। रात की प्रॉब्लम है आपका जो टाइम है ना वो प्रॉब्लम है। टाइम से आपको आ जाना है। और रात की प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे चलाने में कि बिल्कुल डार्क है यार, बिल्कुल डार्क है और गड्ढे वड्ढे बहुत ज़्यादा थे, पानी बहुत भरा हुआ था उस दिन। मतलब एक एक होल तो ऐसा था उसमें हम लोग घुसे भाई घुस ही गए उसमें। बहुत पानी था, बहुत थोड़ा गहरा भी था वो ज़्यादा। दिन में क्या प्रॉब्लम है ना अभी थोड़ा वो प्रॉब्लम ठीक हो गया, थोड़ा बेटर हो गया बट जब हम निकले थे 6:30 पे तो यार हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे। मतलब ब्रेक व्रेक लगाने में भी हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और इवन अभी भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और क्योंकि अब उतार रहे हैं हम बाइक ऊपर से नीचे की ओर, जो एलिवेशन है मैचुका का वो 1854 समथिंग मीटर है। तो अब हम जब उतार रहे हैं ना बाइक और ये कीचड़ स्लश वगैरह है तो थोड़ा बहुत ब्रेक तो यूज़ करना ही पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे हाथ इतने फ्रीज है कि वो टाइम पे कभी कभी नहीं लग रहे हैं। या फिर क्या हो रहा है कि बाइक जब उतर रही है कीचड़ स्लश से तो हमारा कंट्रोल थोड़ा बहुत हैंडल से उतना मैं ये नहीं कहूँगा कि कंट्रोल ही नहीं है बट आई विल फॉर श्योर से कि वो जो कंट्रोल मुझे पसंद है, जो मुझे चाहिए दैट कंट्रोल इज मिसिंग फॉर श्योर। सी दिस गॉर्जियस व्यू। द फॉग इज देयर, सूरज की किरण आ रही है और इट लुक्स ब्यूटिफुल। सी वी आर राइडिंग एंड वी आर गेटिंग सम ओला it seems or some kind of snow, yeah, and it is all over our jacket and bike and all, and believe me it's too freezing.
ओ भाई देख रहो पत्थर वगैरह, बड़े बड़े पत्थर भी हैं। अगर आप लोग आ रहे हो ना मेचू का, तो आपको जो नाश्ता वाश्ता है आलो तक में ही कर लेना है, या फिर बीच में एक केयुंग करके विलेज पड़ता है लगभग 30-40 किलोमीटर, वहाँ पे आर्मी कैंप है और वहाँ पे आर्मी कैफ़े भी है एक, और बहुत अच्छा कैफ़े है, हमने वही ब्रेकफास्ट किया था। इट वॉज क्वाइट चीप एंड डिलीशियस, और खाना जो है आप दांतों में कर सकते हो। हम लोग जिस होटल में रुके थे उस होटल का नाम था होटल मेंचुका पैराडाइज। वो कहने को तो होटल था बट उनके जो ओनर थे, उनकी जो वाइफ थी, उनके जो बच्चे थे, दे हैव टू स्वीट लिटिल किड्स। एंड हम लोग शाम से 9:30 तक उन्हीं के साथ बैठ रहे थे, उन्हीं से बात बात चल रहा था, और दे ट्रीटेड अस लाइक मैन क्वाइट गुड हॉस्पिटैलिटी। दे डिडंट लेट अस फील कि वी आर स्ट्रेंजर्स। बट एक चीज़ मैं जरूर ऐड करूँगा पॉइंट, कि वो जो रात हो गई ना जब 5 से 7 वाली, और फिर हम गए मेचुका की ओर तातो से, दैट एड्स अ थ्रिल प्रिटी श्योर। अगर हम दिन में ही निकल जाते ना तो हमें अब आगे वो याद नहीं रहता, ये रास्ते याद नहीं रहते, बट क्योंकि हमने ऐसे टाइम पे किया ना, ये देखो वाटरफॉल, बट हमने ऐसे टाइम पे किया ना 5 से 7 वो, तो हमें याद रहेगा वो रास्ता। तातो से मेचुका के बीच आपको छोटे छोटे गांव मिलेंगे, 1-2-3 गिन के, लेकिन उनमें जो घर है ना वो भी गिन के 1-2-3 ही है, और खाने का आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना चाहते हो ना, तो व्हाट आई कैन सजेस्ट यू, आप तातो में स्टे कर लो, या फिर एक और गांव है मोनिकोंग करके, वो भी शायद मैंने सुना है अच्छा है, बट यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल और फ्रॉम समवन, वहाँ भी आप स्टे कर सकते हो। तातो से इसका भी रास्ता कटता है, बट मुझे पता नहीं है कि वो मेचुका वाले रोड पे है या फिर किधर को है। अरे सो ऑन द वे टू मेचुका यू विल सी दिस वाटरफॉल एज वेल, अपार्ट फ्रॉम सीको डीको। फ्लश से बचो तो फिर पत्थर, पत्थर से बचो तो फिर गड्ढा, गड्ढा से बचो तो फिर पानी। तो वी हैव क्रॉस्ड तातो नाउ। क्या ब्रेकफास्ट का है क्या आसपास आगे? सो अभी हम रुके हैं तातो में अपने ब्रेकफास्ट के लिए, और सो वी हैव क्रॉस्ड आवर फर्स्ट हर्डल दैट इज तातो। सो यहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाता है 9:30 से 12, फिर 2 से 5। सो हमें क्रॉस करना था 9:30 से पहले, सो वी हैव क्रॉस्ड इट। अब जो सेकेंड ब्लॉकेज मिलेगा वो आलो से आते टाइम 50 किलोमीटर की दूरी पे था, मतलब यहाँ से अब होगा वो 70-80 किलोमीटर। तो वहाँ पे अगर हम अभी पहुँच भी गए तो रोड ब्लॉक हो गया होगा, 12 बजे वो खुलेगा, तो हमें 12 से 1 के बीच वहाँ पहुँचना है, सो दैट वी कैन पास दैट हर्डल। सो ये है तातो विलेज, और यहाँ का स्कूल। नैरो रोड है और बिल्कुल कहीं भी देखो आपने घुमा के पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, इवन जो पहाड़ है वो भी पूरे पेड़ों से ढके हुए हैं। इधर देखो पहाड़ हैं बट पूरे ढके हुए हैं पेड़ों से, और ये सेक्शन देखो ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये वाला जो पेड़ है सामने केले की तरह, ये केले का पेड़ नहीं है लेकिन कोई तो जंगली पेड़ है, मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई तो जंगल का पेड़ है ये। तो ये वाला जो सेक्शन है पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इट्स क्वाइट नैरो रोड कवर्ड विथ ट्रीज ऑन बोथ साइड्स। सो ऐसे सेक्शन भी हैं कि आप पाउडर लगाते हुए जाओगे, ऑलरेडी मेकअप डन दिख नहीं रहा यार। जो दाहिने साइड है वो रोड वो अभी बना है, 2 दिन पहले वो नहीं था और आगे तक गया है ये, इवन ये भी। सो रोड कंस्ट्रक्शन काम जो है इस इधर साइड बहुत तेज़ी से चल रहा है, एंड आई बिलीव कि मेचुका तक का रोड विद इन 1 ईयर और मे बी विद इन 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, और देन तब बहुत स्मूथ रोड हो जाएगा, देन एनीबडी कैन गो ईजली।
सो अभी अपना दूसरा ब्लॉकर भी क्रॉस हो गया, सो बस बंद होने वाला है 10 मिनट में ये। सो थुम्बिन गांव पड़ता है, उससे 4-5 किलोमीटर आगे ये ब्लॉकर है। सो 1 से 4 तक बंद रहता है, 4 बजे खुलता है वापस।